विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला ग्रुप बी। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ लीजिए। राइबोसोम पादप भूमिगत पारुक है? तना। चेचक का टीका आविष्कार किसने किया? बोलिए। एडवर्ड जेनर। शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या है? शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या है? लंबी अस्थि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी बताइए? जबड़े की हड्डी। प्लाज्मोडियम परजीवी है क्या? क्या प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका है? प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। हृदय एक मिनट में धड़कता है? 72 बार। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है? मस्तिष्क में। ठीक है, कंफर्म पूछिएगा। जठर रस में पाया जाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको कहते हैं HCl। दो प्रमुख वंशानुगत रोग बताइए। मछलियों सांस लेती है? गैस द्वारा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? टैलिन। ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉइड ग्रंथि से। ठीक है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? छह सौ उनचालीस। माइनस नहीं है लोग से है ना। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है? खोपड़ी में आठ गो। हीमोफिलिया में हीमोग्लोबिन पाया जाने वाला तत्व क्या है? लोहा। स्वस्थ मनुष्य में खून की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। ट्रेकोमा या ग्लूकोमा रोग संबंधित है? आँख से। कवकों का अध्ययन क्या लाता है? माइकोलॉजी। प्रोटीन का पाचन होता है? छोटी आंत में। आत्महत्या की थैली क्या लाता है? पालक के पत्ता में आयरन होता है। ठीक है। जठर रस में पाया जाता है? जठर रस में अभी ने बताया जी हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक बेवानी नहीं करते हैं। थोड़ी सी नंबर प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस क्या है? हमने क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 उसको क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम कितना पाता है?
प्लस देखिए कुछ ही आ रहा है 22 प्लस y 22 प्लस y भाई से मतलब है भोपाल गैस कांड कब हुआ था? हुआ था को 1924 या कैसे कर लेता है बोलिएगा 94 में कि कुछ 1994 में पुरुष जिन संगठन होता है जिन का नाम होता है जिन होता है ना मानव जिन होता है ना बताइए इंसुलिन शरीर में बनती है इंसुलिन शरीर में बनता है अग्नाशय में ठीक है प्रोटीन की फैक्ट्री कराता है माइटोकॉन्ड्रिया भी आप बोल रहे थे इसका आंसर है राइबोसोम मानव शरीर का समान ताप कितना आता है कोची में पूछ रहे हैं आपसे पूछ रहे हैं केल्विन में आप लोग बताइए केल्विन 310 केल्विन होता है पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होता है शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है एनामिल स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है 120 जो होता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक सिस्टोलिक ठीक है कौन बोलते हैं रुधिर को थका जमने से सहायक है विटामिन के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र चलिए ग्रुप ए से क्वेश्चन है लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है ऑक्सीजन और नमी चलिए ग्रुप बी से क्वेश्चन जमायत इस्लामी किसका राजनीतिक दल है ग्रुप ए बोलिएगा जमायत इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है देश का नंबर है भारत का क्या कहा चलिए पास है आप लोग बोलिए ग्रुप ए से सब लोग पास हैं बांग्लादेश बांग्लादेश चलिए क्वेश्चन दूसरा है ग्रेनाडा किस सागर में स्थित है ग्रुप ए से क्वेश्चन बीस है आपको प्रशांत महासागर में चलिए आप बोलिएगा ग्रुप ए बोलिएगा किस सागर में है पास होकर हिंद महासागर हिंद महासागर कैरिबियन सागर कैरिबियन सागर कैरिबियन सागर हमने बोले हैं ऐसे नहीं होगा मैंने बोले हैं प्रशांत महासागर बोले हैं दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ इलाही से ना दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ इधर बताइएगा आप लोग बड़ा डेट इधर बताइएगा छोटा डेट
ये 14 अक्टूबर का होता है, पास है। क्वेश्चन हट जा रहा है, पूरा हट जा रहा है, टप जा रहा है, बता दे। 20 फरवरी 1900 आपको बड़ा डेट है ना, 1999 ठीक है, एकदम हल्का क्वेश्चन। हमने क्या है आप लोग कहे ना, एक किताब बंद कीजिए, खजुराहो का मंदिर कितना वर्ष पुराना है? 200 वर्ष। 1000 प्लस ये तो सवाल रहता है। चलिए फिर से बोलिए दूसरा क्वेश्चन। हमने से खेल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए को बताइए, खेल दिवस बताइए। 29 फरवरी का है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को ठीक। हाथी का गुफा किस राज्य में है स्थित है? हमने कहा है, आपको बताइएगा। राज्य बताना है। हाँ, किस राज्य में स्थित है? एलोरा राजस्थान में। पास कर रहे हैं, महाराष्ट्र में। चलिए आप लोग बोलिए। राजस्थान ना, आपको भी मैंने से उड़ीसा है। हम्पी बेलारी कहाँ स्थित है? हम्पी बेलारी कर्नाटक में। आप लोग बोलिएगा, आप लोग बोलिए। कर्नाटक में है। ठीक है, बराबर हो गया ना, बराबर के बोल रहे हैं, दो दिन बराबर हो गया। देख के नहीं बोलिए। प्याज में भोजन का संचयन किसके रूप में होता है? प्याज में भोजन का संचयन किसके रूप में होता है? धरोपाकर सेलुलोज। सेलुलोज। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। दुगो पर दीजिएगा परीक्षा में। आप बोलिएगा, कोणार्क मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किसके नाम से जाना जाता है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किसके नाम से जाना जाता है? और आप बताइएगा कहाँ स्थित है? हेलो, कोणार्क। कोणार्क का मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। आप बताइए किसके नाम से जाना जाता है? आप बताइएगा। हम्पी विजयनगर राज्य की स्थापना किन दो नामक दो भाइयों ने किया था? हमने किया है। हमसे दो भाई बुका और हरिया बुका ने किया था। ठीक है जी। हाँ, हरिया एवं बुका ने, इसे बता तो हरिया बुका दोनों। चलिए बताइएगा, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा का शुरुआत कब हुआ? स्पीड पोस्ट सेवा का शुरुआत कब हुआ? याद रखिएगा 1986। भारत में प्रथम मकबरा किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी। इधर से पूछे हैं, भारत में प्रथम मकबरा किसका मकबरा है? मकबरा। इसके बाद अभी पास करेंगे। अरे अरे क्या बात है, कितने टाइम से माफ हुआ आपको, आप बोलिएगा। शेरशाह। ये आपको जानते हैं अकबर का होगा? नसीरुद्दीन महमूद। अच्छा, नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन महमूद। भारत में प्रथम मकबरा इन्हीं का मकबरा था, नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, आप इधर से बोलिएगा, नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा क्या है? कोंकणी। नागालैंड। 5 मिनट समय दिया जा रहा है। 5 मिनट 15 सेकंड कोंकणी है। आप बोलिएगा। तेलुगु तो करना है। नागालैंड राज्य का राष्ट्रभाषा क्या है? पास है, पास तेलुगु। पास है तो होगा इसका इंग्लिश, अंग्रेजी। कहाँ के पूछे थे? नागालैंड। इसका राजधानी कहाँ है? कोहिमा। कोहिमा ठीक है। बात कीजिए, आप बताइएगा। हम अन्य कह काफी कह रहे हैं। गांधी फिल्म को केवा आस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ? गांधी। हाँ, बनवा केवा बनवा 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 बनवा। आप इधर से बोलिए। बनवा दोनों के मायने से
सूर्य का व्यास कितना है किलोमीटर है? 6000 इसने कह 6000 का। चलिए, समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। का समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? हेलो पास है, पास है, पास में। आप बताइए समाजवादी ना पास जय प्रकाश से कुछ करो। जय प्रकाश नारायण नारायण। चलिए ठीक है, तब अच्छा पढ़ मिलेगा, हम देख कर लेते हैं। हम पूछे थे कहीं और से, आप बताइएगा। मैडम मैडम क्यूरी जो है उसको विज्ञान के क्षेत्र में कितने बार नोबेल पुरस्कार दिया गया? आपने यहाँ पे चार कालीन स्थल धौला विरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात। गुजरात में। हाँ सही बोल रहे हैं ना। हाँ आप लोग बोलिए। हड़प्पा कालीन स्थल धौला विरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात होगा आपका। देखिए सर ये मान लीजिए महाराष्ट्र बोल रहे थे। गांधी जी ने किसको कायदे आजम की उपाधि दी थी? हाँ कायदे आजम की उपाधि किसको दी थी गांधी जी ने? जिन्ना को। जिन्ना को उसी को तो बोलते थे। जिन्ना को। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इधर से प्रोटीन के ना बहुत है कसर की। कैसी कसर की जो बीमारी होता है प्रोटीन कमी से होता है। क्लियर बोलिए। कसर की नहीं कवासियों का कवासियों ना बोलते अभी पास की और दवाई बोलते हम नहीं ना बोलते ना वही बोल रहे थे जो बोल रहे। हर एक वर्ष का अंतिम शासक का नाम बताइए। हर एक वर्ष के बृहद्रथ होगा। चलिए बोलिए। अनुच्छेद 24 के तहत क्या क्या है बताइए। अनुच्छेद 24 में ठीक है तो आप लोग ही बताइएगा। अनटचेबिलिटी छुआछूत का मतलब ये चीज क्लियर किया गया है किस अनुच्छेद 117 में। ठीक है 117 आप लोग बोलिए। 117 नहीं वाली पुल 17 खाली हो गया। आप 117 बोले हैं ना। हम बोले ना। हम बोले 17 अरे मैंने जैसे हम बोले ना। हम बोले ना 117 बोले ना। राहुल भैया 117 बोले मैंने दी जैसे थोड़ा का। चलिए आप लोग बोलिए। ताइवान का पुराना नाम क्या था? ताइवान का बताइए। आप लोग बोलिए। ऐसे थोड़ा बहुत आप जान लेते हैं। सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? किस राज्य में? रुकिए बता रहे हैं सह्याद्री पर्वत उत्तराखंड में कहा है। बोलिए आंसर दे रहे हैं। पास है। पास है महाराष्ट्र में है मुंबई में। ठीक है बोलिएगा आप। राष्ट्रीय क्वेश्चन सुनिए। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। 12 जनवरी। हां सर।
आप लोग बताएगा कि वह प्रथम देश कौन सा है जिसे महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? यह आपको स्विट्जरलैंड। आप बताइएगा क्या अच्छे का नाम बताना है, देश का नाम बताना है। ठीक है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सही है। न्यूजीलैंड दिया। न्यूजीलैंड ठीक है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? चलिए बोलिए। वाशिंगटन डीसी। हमनी के पास ना कर देवा। लाइसेंस होम की खोज हाँ कब और किसने किया था? डी डुबे ने कब डी डुबे ने कब? 1665। फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? हमने कहे पहले कोलकाता थी। हम नहीं बोल रहे हैं फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? फ्रेंच हाँ फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? बोले कैसे बोले? नहीं बोले थे ना भाई कोलकाता बोले थे। बोल रहे हैं बोल पास चला। बेबी लोन कैसी? बेबी लोन। बेबी लोन पंडिचेरी वही तो ना पंडिचेरी ना कोई हैजा जो है किसकी बीमारी से होता है? चाहे किसकी बीमारी बैक्टीरिया से होता है कि जीवाणु से होता है? इधर से है बैक्टीरिया से होता है। चलिए आप लोग विषाणु से दोनों से होता है। ठीक है आप बताइएगा x प्लस वन बाई एक्स के होल स्क्वायर जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? लिखिए x स्क्वायर प्लस टू x इंटू वन बाई एक्स रुकिए बता रहे हैं x इंटू वन बाई एक्स वन बाई एक्स बाकी प्लस रुकिए बता रहे हैं वन बाई एक्स स्क्वायर चलिए आगे बताइएगा ग्रुप ए से क्वेश्चन है तो इसका x प्लस वन बाई के स्क्वायर शॉर्ट जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर वैसे नहीं बताना है शॉर्ट जो होता है ना आप लोग बताइएगा आपसे क्वेश्चन है 18 का स्क्वायर कितना होता है आप बताइए। 324। 324 सही है।
आप बताइएगा 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 289। आप बताइएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है? 179। चलिए ग्रुप ए से क्वेश्चन है, बताइएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला बताइए। आप बता सकते हैं इसका कुछ ये हार सकते हैं? गलत है, गलत है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसमें भी टू होगा कुछ नहीं हुआ। दुए वाली बोल रहा है तो मिटाइए, उस मिटाइए, मिटा दीजिए फिर से। बोलिए फिर से। A plus B के होल स्क्वायर, A plus B के होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी। आप बता सकते हैं? बताइए। बोलिए। A plus B, A plus B into into A plus B, A plus B B। बस माइनस होता है। माइनस होता है। चलिए। उसे बता सकते हैं जी? कौन से होगा स्पर्धी? कौन से होगा? दोनों गलत हैं। गलत है ना चलिए आप बताइएगा, आपसे क्वेश्चन है तो x प्लस 1 बाई x के क्यूब बराबर फॉर्मूला क्या होता है? k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब माइनस 3k, 3k। राहुल सही है, गलत है? k क्यूब माइनस 3k, हाँ गुलाल तो है, KQ माइनस 3K सही है, सही है। चलिए चलिए आगे बताएंगे, आप बताइएगा वर्ग के भुजा बराबर क्या होता है? वर्ग के भुजा बराबर, हाँ वर्ग के भुजा स्क्वायर, फोर गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। आप बताइएगा तो बताइए वर्ग का भी कर्ण बराबर क्या होता है? वर्ग का भी कर्ण बराबर रूट 2 गुने भुजा, पास हो गया। आप बताइए रूट अंदर, पास है, पास है। पूछे थे रुट्टू गुने भुजा होता है। चलिए आप बताइएगा आपसे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री, ठीक है। आगे बताएंगे क्वेश्चन आपसे है ग्रुप बी से, आप बताइएगा 2 tan थीटा बराबर क्या होता है? होता है आपको पी बाई पी, पी बाई पी, पी क्या डिनोट करता है? पी करता है लॉग पी आधार, ठीक है। आप बताइएगा क्वेश्चन आपसे है, अगर हमको एच निकालना है, ठीक है, मान लेते हैं किसी एक भुजा दिया हुआ है, दो भुजा रहेगा, यहाँ पे थीटा मानते हैं, बोले ना इस बार वैसे फार्मूला पीछे बता दे, यहाँ पे थीटा मानते हैं, ये आपको क्या होता है जहाँ इसके सामने सामने वाला पी होता है, ठीक है, पी होता है, तो आप बताइएगा तो यहाँ पे क्या होगा? बी है, हाँ, बी होता है, और बाकी क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। तो आप बताएंगे क्वेश्चन आपसे है कि एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बताएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? वर्ग होता है, सही है। चलिए सही है आपका है। चलिए आपसे क्वेश्चन है, ठीक है, आप बताएंगे आपसे क्वेश्चन है ग्रुप बी से, तो बताइएगा
अगर यहाँ पे थीटा मानते हैं ठीक ना, यहाँ पे क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं, अगर हमको P दिया हुआ है 5 दिया है और B हमको 4 दिया है तो H कितना होता होगा हमको है, हाँ H कितना होगा जल्दी से निकल के बताइए, बता रहे H कितना होगा जल्दी, हो गया जल्दी बताइएगा, रूट 41 सही है, गलत है, सही है, बिल्कुल राइट है। चलिए आप बताइए, तो अगर मान लेते हैं आप ग्रुप ए से क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे हम इसको हमको निकालना है और यहाँ पे 3 दिया है तो पी का मान कितना होगा, क्या अगर एच का वैल्यू 3 दिया है, हमेशा तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होते हैं, अगर एच 5 दिया है तो पी का वैल्यू निकालो, 3 होगा, 3 हो जाएगा, 3 होगा, 3 सही है, 25 आप बताइएगा, आपसे पूछा है तो बताइएगा, ए वर्ग है ठीक ना, वर्ग में कितना डिग्री का कोण पूरा होता है, 360 डिग्री का होता है, तो आप बताइएगा तो अर्धवृत्त में कितना होता है, चलिए बताइए आगे राहुल जी, हमारा पहला सवाल है ग्रुप बी से है, आप बताइएगा मतलब पूरा ही मैटर किसी है, आपसे क्वेश्चन है तो बताइएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 1/2 एल गुना बी गुना एल गुना बी, ग्रुप बी ए से सही है, ठीक है ठीक है, चलिए आप बताइएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन ग्रुप ए से है, आप लोग बताइए उत्तर से दक्षिण, दक्षिण में बिहार के जिला बताइए, श्रेणीकरण में उत्तर से दक्षिण श्रेणीकरण में बताइए, देखिए इसे तो है तीन लोग से, पश्चिम चंपारण से है, पश्चिम चंपारण हम पूछे कि उत्तर सारण हम पूछे कि उत्तर से दक्षिण की ओर श्रेणीकरण बताइए, बताइए उत्तर से दक्षिण की ओर कैसे पूछना है बताना है जिला का नाम श्रेणीकरण बताइए, भागलपुर हाँ जी, बांका हाँ, जमुई हाँ, नवादा हाँ, गया हाँ, औरंगाबाद हाँ, रोहतास हाँ, अब कैमूर क्या होगा, फिर से बोलिए, भागलपुर बांका हाँ, जमुई नवादा गया औरंगाबाद रोहतास हाँ जी, एक दो तीन गो, आप बता, चार गो, आप बताइएगा गोवा से कितने राज टच करते हैं, गोवा से गोवा से दो गोवा, बैंगलोर है, सॉरी महाराष्ट्र, गोवा महाराष्ट्र, दो गोवा, महाराष्ट्र कर्नाटक,
दो गोगा महाराष्ट्र कर्नाटक आप बताइएगा झारखंड से कितने राज्य टच करते हैं झारखंड से ना पाँच गो बताए कौन कौन आप लोग बताइए कौन कौन बिहार यूपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा पश्चिम बंगाल आप बताइए ठीक है हम बताए चलिए उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल उड़ीसा झारखंड सही है गलत है सही है एगो छोड़ दिया ना आप कोई छत्तीसगढ़ बोले हैं बोले हैं सही है आपको कुछ ना कहा मान दिए आप देख के बताए चलिए आप बताइए कर्क रेखा जो है से कितने डिग्री का होता है कर्क रेखा कितने हाँ बता रहे हैं जी कर्क रेखा हम बता रहे हैं जीरो डिग्री आप बताइए जी पूछिए हम आप कर्क रेखा जो है से कितने डिग्री का होता है जैसे कर्क रेखा बताइए हम बताए किसने चलिए आप बताइए आप साढ़े छियासठ आप बताइए मकर का कितना होता है मकर क्या बताइए मकर हो जाएगा साढ़े छियासठ हो जाएगा हाँ आप बताइए जी साढ़े तेईस आप बताइए कि मकर रेखा जो है वर्ल्ड में कितने मतलब महादेश से टच करता है मकर रेखा ना तीन गो कौन कौन बता रहे हैं दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया आप लोग बताइए कर्क रेखा कितने से आठ राज्य कौन कौन गुजरात राजस्थान आप बताइए कौन कौन हम बताए हाँ चलिए लिखिएगा बोलिए गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल मिजोरम त्रिपुरा ग्रुप ए से बताइएगा उत्तराखंड से कितने राज्य टच करते हैं उत्तराखंड से ठीक है तो पूछते हैं ग्रुप ए से उत्तराखंड से कितने राज्य टच करते हैं हम बताएंगे तीन गो हम बताएंगे बताइए हिमाचल प्रदेश हरियाणा नई दिल्ली आप बताइए वही उत्तर प्रदेश दो गो सही है दो गो आप तीन को बताया देखिए कौन कौन है आपको है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश है बस अब हरियाणा नहीं हरियाणा नहीं है देखिए आप लोग बताइए हमसे ग्रुप ए बीस है हाँ। आप लोग बताइएगा बांग्लादेश कितने राष्ट्र से घिरा हुआ है बांग्लादेश ना हम बता रहे हैं एक दो तीन चार गो आप लोग बताइए पांच गो जी चार गो पांच गो ये पांच गो चुके हम चार गो बताएंगे हैं बताइए बांग्लादेश आपको तीन गो टच करता है पश्चिम बंगाल अब आपको हो गया मेघालय दिसपुर नहीं करता है असम आपको हो गया देखिए त्रिपुरा असम हो गया असम करता है तो त्रिपुरा भी करता म्यांमार से पांच गो बताइए कि भूटान से कितना राज टच करते हैं भूटान से एक दो तीन चार गो चार गो हम बताएंगे अब बताइए सिक्किम से कितने राज टच करते हैं हम बताएंगे सिक्किम से एक गो ठीक है आप लोग बताइएगा
संयुक्त राज्य अमेरिका किस गोलार्ध में पड़ता है? किस गोलार्ध में पड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका? मतलब कौची पूछ रहे हैं? उत्तरी बताइए, दक्षिणी बताइए, उत्तरी बताइए, संयुक्त राज्य में क्या है? उदाहरण है पश्चिम में। आप बताइएगा ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में है? ऑस्ट्रेलिया बता रहे हैं ना, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण होगा। हो गया ना, तो आप लोग बताइए क्या? आप लोग बताइए, पूरब ना होगा? पूर्वी ना, दक्षिणी पूर्वी। तो हम क्या चीज बोले? आप खाली दक्षिण बोले, खाली दक्षिणी में है, दक्षिण पूर्वी नहीं है। अपन से बात हो रहा है।